कान खोल के सुन लो, कोई बीच में नहीं आएगा, नहीं तो तुम्हारी बस्ती जला देगा। हटो, छोड़ दो, छोड़ दो। किसकी इतनी हिम्मत? अब इस कार्टून को पकड़ के ना उस एलियन हॉटी के सामने हीरो बन जाऊंगा और फिर इंप्रेस होके मुझे अपनी सारी एलियन की पास दे दी। I'll be king of the world. भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुमने हमारी जान बचाई है। तो ए गुंडों का दमबार, अपना हीरो एक नंबर। जितना वीर को हीरो की जरूरत है, उतना ही लोगों को भी हीरो की जरूरत है। लेट हो रहा है, पापा का क्लू ढूंढने के लिए ब्लैकआउट एरिया में जाना होगा। पता नहीं मैं सही डायरेक्शन में ढूंढ भी रहा हूँ या नहीं। प्लीज शिव जी, प्लीज मेरा लक काम करवा दो, पापा का क्लू मिलवा दो, प्लीज। आया था ना यहाँ पे हीरो, कहाँ पे? वो उधर गया है। अपना हीरो है नंबर। I think यही है। पर ये है क्या? और फिलहाल यहां से निकलता हूं। आ गया क्या? लोकेशन तो यही है। हीरो यहीं पे था क्या कुछ देर पहले? नहीं, वो यहीं थे। लगता है ये लड़की हीरो को जानती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है भाई। अरे मैडम इतनी जल्दी क्या है, अभी हमसे तो मिल जाओ। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। Hero! 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 Hero!
ओए गोलीबाज, हीरो कहाँ पे? हाँ बिट्टू, आया था धोया तो और चल भी दिया। अगर हीरो की हीरोगिरी देखने का है ना तो टाइम पे आने का टाइम पे। वैसे अपन को लगता है वहाँ से कहला है वो। चचा, तुम्हारा है? तुम्हारा लड़का जब बड़ा हो जाएगा ना, तो मस्का पाव खिला के रॉकेट में घुमाऊंगा इसको। हीरो, हीरो, बनी तुम रोमांस के लिए हो लेकिन हर बार एक्शन सीक्वेंस में पहुंच जाती हो। आप वैसे थोड़ी ठंड है ना, अपने बारे में एक चीज बताऊं? मैं अच्छी कॉफी के लिए कहीं भी जा सकता हूं, तुम्हारे घर भी। तुम न्यूज़ नहीं देखते ना? नहीं, टाइम नहीं मिलता। अगली बार जरूर बुलाऊंगी मेरे घर। I like your confidence। मतलब कि तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं भी तुमसे अगली बार मिलना चाहता हूं। अब मुझे बहुत देर हो रही है, आई गॉट टू गो। बाय। हाय, कितनी क्यूट है। Surprise! कौन आ गया ये मूड की माचिस जलाने? वीर आया क्यों नहीं अभी तक? हेलो मंटू, नाना नानी के पास शिव मंदिर के सामने क्या हुआ? एलियन, एलियन अटैक। हाँ वी, हीरो, हीरो अंडा है। वीर तू ठीक है? तोड़ गया वीर। भाई तेरी रिंग। हाँ, हाँ? तो अपने पास ही रखा? पानी, पानी, एक मिनट।
समझ गया बेटा हीरो, अगली बार ना तेरी मुंडी काट के घर में लगाऊंगा। अबे वो मुंबई की लास्ट लोकल, अब इसको झेलना पड़ेगा। रामू मार लिया। छोटी सी चोट है, एक्सीडेंट हो गया था। किससे? फिसल गया था बाइक से। बाइक से? और स्टंटमैन है। डैड से कह के ना बाइसिकल ले लाता हूँ। वही औकात है तेरी। क्या बाबा, साइकिल के लिए भी मामा जी से कहेगा? तू छोड़ ना। अच्छा क्या बोला? रोशनी भी, जाना पहचाना पर अजनबी भी। ये सब याद कैसे रहेगा? कुछ लेके आ, लिख लेते हैं। रुक, अभी रिपीट होगा। ओके। मैं अंधेरा, मैं रोशनी भी। मैं अंधेरा, मैं रोशनी भी। जाना पहचाना पर अजनबी भी। जाना पहचाना पर अजनबी भी। मेरे अंदर दुनिया कई है असीम आकार मेरा। मेरे अंदर दुनिया कई है असीम आकार मेरा। क्या सीन? असीम आकार मेरा। असीम आकार मेरा। अंतर में मेरे तू बसा है, तेरे भीतर वास मेरा। अंतर में मेरे तू बसा है, तेरे भीतर वास मेरा। आँख उठाकर देख ले मानव, मैं मिलूंगा तुझे वहाँ। आँख उठाकर देख ले मानव, मैं मिलूंगा तुझे वहाँ। छोटी सी जगह में पूरा ब्रह्मांड समाया हो जा। छोटी सी जगह में पूरा ब्रह्मांड समाया हो जा। हो जहां। आंख उठाकर देख ले मानव, मैं मिलूंगा तुझे वहां। छोटी सी जगह में पूरा ब्रह्मांड समाया हो जहां। पूरा यूनिवर्स एक छोटी सी जगह में। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब मिल्की वे के अंदर होता है। हाँ, मिल गया। हाँ, पापा ने प्लैनेटेरियम इफेक्ट से पूरे रूम में यूनिवर्स डिस्प्ले किया हुआ था। मतलब हमारे पुराने घर में पापा वही है। पापा, शाबाश वीर नंदा, तुमने तंज की पहली सुलझाई ली। पापा, वीर, मेरा तो बस ऐसा था कि जी रहे थे बिना किसी वजह। आपके चले के बाद सब कुछ बदल गया था पापा।
बहुत मिस किया, बहुत मिस किया आपको। क्या हुआ पापा, आप ठीक तो हैं? बस वीर, मैं भी ना अपनी बातों में लगा रह गया, आपसे पूछना ही भूल गया कि आप इतने सालों तक कहाँ गायब थे पापा। क्या क्या हुआ, क्या था आपके साथ में? आप इतने सालों में अपने कॉन्टैक्ट देने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? आपको एक बार भी हमारी याद नहीं आई, आप कहाँ रहते थे? मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे मन में सैकड़ों सवाल चल रहे होंगे। 15 साल हो गए, उनके जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। वक्त आने पर तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? खुद से भी ज्यादा। इस वक्त एक बहुत जरूरी काम करना है और जल्दी भी। तुम्हें इस पहेली को सुलझाना। तुम्हें पता नहीं क्या है और मुझे पता है तुम ये कर लोगे, पर ध्यान रहे, ये गलती इसे खुद ब खुद नष्ट कर देगी। इसमें मेरी एक बहुत ही कीमती चीज है, इसका एक ही सही जवाब है और तुम्हारे पास इसे खोलने का एक ही मौका। लगता है इसका कोई क्लू नहीं छुड़ा। इसका उत्तर है ऐसी कोई चीज जो जुड़ी है तेरे और तेरे पिता से। वीर नंदा, दिमाग लगा, जल्दी सुलझा इसे। भटकल अंकल के लॉकर से सिर्फ यही मिला, ना कोई नोट ना कोई इंस्ट्रक्शन, कुछ तो छोड़ा होगा उन्होंने। लॉकर में जो कुछ भी था उसके अलावा कुछ छोड़ा था भटकल अंकल ने? कोई इंस्ट्रक्शन, कोई मैसेज या कोई नोट या कुछ और भी? उसमें कोई मैसेज तो नहीं था, बट उन्होंने एक अपनी विल छोड़ी थी रिटर्न में। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। कहीं इस रिडल का जवाब भटकल अंकल की विल में तो नहीं? एक बार विल को फिर से पढ़ता हूं। बेस्ट विशेस टू माय मोस्ट फेवरेट फादर एंड सन डुओ, अमल एंड वीर। लेट्स थैंक आवर स्टार्स दैट गॉड्स आर विद अस एंड दैट वी आर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट अर्थ एंड नॉट ऑन वीनस। धन्यवाद ईश्वर का कि हम पृथ्वी पर पैदा हुए, ना कि शुक्र पर। ये लाइन लास्ट में ऐसे ही नहीं ऐड की होगी भटकल अंकल ने, जरूर इसके पीछे कोई हिडन मतलब होगा, कोई मैसेज छुपा होगा इसमें। क्या आपको याद है पापा, आपने मुझसे कहा है कि जवाब हमेशा सवाल में छुपे होते हैं। वी आर बॉर्न ऑन दिस अर्थ एंड नॉट ऑन वीनस। हम शुक्र पर नहीं है तो फिर कौन है? असुर। नहीं, असुर असुर नहीं बैठ रहा है। एलियंस ही असुर हैं और असुर ही एलियंस। असुर ही एलियंस है। एलियन पापा, एलियन। भटकल अंकल की विल में ही था इसका आंसर। पक्का?
पक्का यकीन है तुम्हें? आई एम 100% श्योर पापा, और कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार फिर सोच लो। ट्रस्ट मी पापा। शाबाश वीर नंदा। पापा मुझे आपको कुछ दिखाना है, एंड आई एम श्योर कि वो आपकी अब तक की फाइंडिंग्स में से सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा। वेट, हाँ आप देखना मत। आपके लिए मेरी मैजिक रिंग से अच्छा वेलकम गिफ्ट तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। आज तो मेरे बहुत काम आया, दुआ करता हूं कि तेरा ईश्वर तेरी आत्मा को शांति दे। अब देखते हैं इसमें क्या है। हेलो अमल, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो उसके दो मतलब हैं। पहला कि तुम वापस आ गए हो, वेलकम वेलकम बैक सन। दूसरा ये कि तुम्हें वेलकम बैक करने के लिए मैं वहां नहीं हूं। अमल तुम जानते हो ना मैं बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैजिक रिंग तुम्हें मिल चुकी होगी। अमल मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती, याददाश्त भी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब शायद आईने में देख के मैं खुद को भी ना पहचान पाऊं, इसलिए अच्छा है कि तुम मुझे इस तरह देख रहे हो। इससे पहले कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाए, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। वो तोहफा जो बहुत जरूरी है, दो चीजें हैं उसमें जो रिंग को पाने के लिए तुम्हें काम आएंगी। इस पेन ड्राइव में मेरा ये वीडियो मैसेज तो है ही, लेकिन इसके अलावा तो बहुत जरूरी चीजें हैं। और ये जानना जरूरी है कि इस बड़े कोडेड बॉक्स के अंदर एक छोटा कोडेड बॉक्स भी है।
और उस छोटे कोडेड बॉक्स में इसमें एक डिवाइस है, द रिंग ट्रैकर। बरसों की मेहनत और रिसर्च के बाद बना है रिंग ट्रैकर। जैसे ये रिंग ट्रैकर एक्टिवेट होगा तो जो भी उस रिंग को पहनेगा ये उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेगा। इस रिंग ट्रैकर पर सिर्फ दो लोगों का हक है, तुम्हारा और वीर का। अमल, तुम्हें याद है बचपन में तुमने वीर को क्या क्या सिखाया था? तुम दोनों के बीच जो बाप बेटे की केमिस्ट्री थी, एक इक्वेशन थी, कमाल की थी। वो वीर को जरूरत पड़ेगी उन चीजों की जो तुमने उसे सिखाई थी इस छोटे कूड़े बॉक्स को खोलने के लिए। और हाँ अमल, एक बात का ध्यान रखना, बड़े कोडेड बॉक्स की तरह ये छोटा कोडेड बॉक्स भी अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर सकता है अगर गलत पासवर्ड डाला गया तो। सो बी केयरफुल, ध्यान रखना कि तुम्हारे पास एक ही मौका है, जस्ट वन चांस। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो अमल, कि मैंने इसे इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया। उसकी एक वजह थी, आई वॉन्टेड टू बी श्योर कि ये कहीं गलत हाथों में ना चला जाए। अगर गलत हाथों में चला जाए तो ये दुनिया को तबाह भी कर सकता है। आई एम श्योर कि तुम इस रिडल को सॉल्व कर लोगे। ऑल द बेस्ट। अक्कल को मैंने मार दिया, अमल नंदा गायब है और वीर नंदा। सात मिनट बचे हैं। हम असरों की तकनीक के सामने तुम्हारी ये पहली बात कमजोर है, इसलिए हम असर तुम मानो से कई कदम आगे हैं। वीर नंदा, जानना चाहता हूं कि तेरे बाप ने तुझे ऐसा क्या सिखाया है जिससे तू मेरी पहेली को सुलझाएगा। जैसे मैंने बटकल की यादों से उसकी वसीयत निकाली, तेरे सामने तेरा बाप अमल नंदा बनकर आया, वैसे ही अब मैं तेरी यादों से इस पहेली को सुलझाऊंगा। यंत्र ने पटकल और अमित श्रीवास्तव की यादों के साथ उनकी जान भी ले ली थी। अब ये यंत्र तेरी यादें मुझे दिखा के तुझे भी खत्म कर देगा वीर नंदा। अरे पर तू तो अधमरा है, अब मेरे पास उतना ही वक्त है जितने वक्त में मैं तेरी यादें तुझसे निचोड़ सकूं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।